धन्य वही है जिनके अंतःकरण में पवित्रता प्रसूत हुई है। जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए हैं, वही धन्य है जिन्होंने देव अनुग्रह को अनुभूत कर लिया है। जो भी प्राप्त है, साधन सामग्री समृद्धि वैभव विभूति विद्या विचार और अन्य जितने भी लौकिक पदार्थ या अंतरंग बहिरंग साधन हैं, उन सब में जो देव अनुग्रह अनुभूत करते हैं वही धन्य है। जो प्राप्त है उसके मूल में देवानुग्रह हेतु कम, जो ये कभी नहीं कहते कि ये प्रारब्ध है, ये हमारे श्रम का फल है, ये हमारे पुरुषार्थ की परिणति है, ये हमारी युक्ति बुद्धि श्रम साधना संघर्ष और अत्यंत कठिन कठोर परिश्रम का फल है, ये हमारे ही पुरुषार्थ का प्रतिसाद है, जो ऐसा कभी नहीं मानते, जो ऐसा ही मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का ही प्रसाद है, वे ही धन्य हैं। इसलिए जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट रहें, संतुष्टौ येन केनचित। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, मौन रहें निंदा और स्तुति में सम रहें। उदासीनो गत्यम व्यथा, वही धन्य है जिनकी व्यथा चली गई है। जो पक्षपात रहित रहते हैं, अब जिनको कोई कटु वचन मर्म वचन आहत नहीं करते, जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया, जो जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, अन्न के प्रत्येक कण में कल्याणकारी परमात्मा का अनुग्रह है, जल के प्रत्येक कण में उसकी अनुभूति, ऐसे अन्न जल वायु जो आसपास है सब में उसकी उपस्थिति और वह मेरे उद्धार के लिए है, ऐसा जिनका अनुभव बन गया है कि भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी निर्दोष हितकर सुखकर प्रियकर है, अपने आसपास में जो कुछ भी है उसमें अन्य को यश देने की प्रवृत्तियां जिनमें पैदा हो गई, इसे प्राय महापुरुष ऐसा कहते हैं, ऐसा गुरुजनों से सीखा है, संतों ने कहा है, शास्त्र विचार है, श्रुति ऐसा कहती है, ये पुराण का प्रज्ञा प्रवाह है, ऐसा जो कहते रहते हैं उनसे भाषा सीखो कि जो कुछ हमारे पास है ये हमारी प्रज्ञा नहीं है, ये हमारी बौद्धिकता, ये हमारी मनीषा, ये हमारा वैदुष्य विद्या, अथवा तो ये हमारी वाक विभूति, हमारी वाक्मिता में भी जो हमारी कुछ भी श्रेष्ठता है वह अन्य की दी हुई है, उनके ही कृपा प्रसाद से है। यह सब तो माता पिता से प्राप्त है, परिजन पुरजनों के पुण्य से, सत्पुरुषों के आशीष से। कुछ अच्छा हो रहा हो
कुछ अनुकूलताएं अनुभूत हो रही हो, सर्वथा जय हो रही हो, कीर्ति विस्तृत हो रही हो, अधिक सम्मान और समृद्धि के कारण आपके आसपास पैदा हो रहे हों, तो ऐसा ही कहिए कि इसमें हमारा कोई निमित्त नहीं है, हम कहीं इसमें हेतु नहीं है, हमारी युक्ति बुद्धि चातुर्य इसमें कहीं नहीं है, ये सब अनुग्रह ही है उनका। इसलिए जब भगवान का आगमन हुआ ब्रज में तो अनायास ही उनके यश का विस्तार हो गया, उनका यश विस्तरित होने लगा, संपूर्ण लोक लोकांतर में उनकी जय होने लगी। उनकी पुरोहितानी पौर्णिमा जो त्रिकालज्ञा थी, जो तीनों कालों का दर्शन कर सकती थी, वैसे ऐसा रोक नहीं पाई और यशोदा से उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, घर में परमात्मा का आगमन हो गया है, ये जो अनुभव है हम सबका ये सुख का नहीं है, ये आनंद का है, इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मानंद परमानंद मुक्तानंद अखंडानंद का आगमन हुआ है, आनंद वह ब्रह्म, हमारे यहाँ कोई और नहीं आया है, यशोदा हमारे यहाँ केवल परमानंद के रूप में, इस आनंद अखंड आनंद के रूप में, इस रसानंद और निजानंद के रूप में, अन्य कोई नहीं, ब्रह्मानंद का ही आगमन हुआ है।